चैनल, आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से कमेंट करिए आप लोग। आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कैसा लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा है कमेंट करके मुझे बताएं। अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलिए, बुरा लग रहा है तो बुरा लगे, पर कमेंट तो करिए, मुझे पता तो चले कि मेरा वीडियो में फीडबैक क्या आ रहे हैं। और लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे मेरे सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाए। तो बेल वाला आइकॉन प्रेस करके फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आ रही जो पिक्चर मैं डाली थी वो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बन रहा है और उसमें क्या क्या चाहिए। चलते पहले देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। ये मटर है जो मैंने रात को भिगो के रखा था, अब चाहो तो 2 घंटा पहले इसे गर्म पानी में भिगो सकते हो। एक आलू, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, ये मैंने जीरा और धनिया पीस के इसको रोस्ट करके रखा है, थोड़ा सा जीरा, टमाटर कटा हुआ, तेल, तेजपत्ता और सूखी मिर्च, और ये जो पेस्ट बनाया है मैंने, ये है धनिया पत्ता, प्याज और अदरक और एक हरी मिर्ची देके मैंने इसका पेस्ट बनाया है। तो आप लोग, मैं इसका पेस्ट बना ली थी, आप भी पेस्ट बना लीजिएगा। मटर और आलू को उबाल लिया है, इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला है, सिर्फ नमक देके इसे उबाल लिया है। तो चलिए आगे इसे बनाते कैसे दिखाती हूँ। कब प्रिपरेशन करते हैं, पहले पैन को अच्छे से गर्म कर ले, फिर इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दे। रिफाइंड ऑयल हमारे अच्छे से गर्म होने चाहिए, फिर इसमें तेजपत्ता और सूखी मिर्ची डालें, फिर जीरा डाल दें। इसमें हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया था, मैंने जो पेस्ट आपको वो पेस्ट को अच्छे से डाल दें, डाल के इसको अच्छे से मिला ले। उसके बाद ये टमाटर डाल दे, टमाटर अच्छे से गल जाए देखिएगा, नहीं तो कच्चे कच्चे टमाटर आएंगे। और ये जो मसाले जो थे वो सारे मैंने पानी में घोल के उसके पेस्ट बना लिए हैं, देखिए ऐसा पेस्ट बन गया है। उसके बाद आप इसको इसमें डाल दीजिए, मसाले अच्छे से भून ले। मसाले जब भून जाए और हमारा तेल जब ऊपर ऊपर छोड़ दे, तो उसके बाद ये मटर और जो आलू मैंने हम लोगों ने उबाले हैं इसे इसमें डाल दें। थोड़ा देर इसे उबलने दे, देखिए कलर कैसे चेंज हो गए। अब इसमें धनिया पत्ता डाल के इसे गरम गरम पूड़ियों के साथ सर्व करें। तो आप भी ट्राई करिएगा घर पे और मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है, कैसा लुक आ रहा है। और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन दबा के, ताकि मेरे आगे की वीडियो भी आपको पहले मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।